अच्छा हुआ आपने मुझे प्राणनाथ नहीं कहा। नहीं आपका भरोसा नहीं है ना, पता नहीं कब आपका हिटलर रूप जाग जाए और फिर नाथ से प्राण अलग हो जाए। मकान मालिक जी मैं? हाँ आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इस हंसी के साथ। मकान मालिक जी मेरी जिंदगी की सारी तमन्नाएं पूरी हो गई आज। जी तो चाह रहा है कि इस पल को यहीं रोक दूं। एक 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 मिनट पिक्चर क्लिक करवाइए ना। अरे ताकि मैं दुनिया को प्रूफ कर सकूं कि हिटलर जैसी खड़ूस लड़की किसकी वजह से हंसी, इस एक लौते शख्स की वजह से हंसी। चलिए हंसती रहिए, हंसती रहिए प्लीज प्लीज। अरे प्लीज मुझे नहीं आता ऋषि मैं हंसिए ना। देखिए अरे देखिए तो सही कितनी सुंदर लग रही हैं आप। बारिश हो रही है और आपको पता है वो गाना आपके लिए ही लिखा गया है। कौन सा? जब वो हंसती है बारिश होती है, बारिश होती है चमक चमक चम चम। दिल्ली में कई साल बारिश नहीं हुई पर जब हुई तो इतनी हुई कि जमुना नदी में बाढ़ आ गई। बस यही समझिए एक दिन मैं भी हंसूंगी और इतना हंसूंगी कि सारी दिल्ली को अपनी हंसी में डुबो दूंगी। बारिश हुई है? हाँ। मैं बारिश में भीगना चाहती हूँ ऋषि। मुझे बारिश में भीगना है। मैं जाती हूँ। जानू ना भागे रे मन कहीं।
चांदनी चौक वालों, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखी मेरी हिटलर की स्माइल कितनी भोली और खूबसूरत है। यस, यस। मैंने कर दिखाया, इसी दिन का मुझे इंतजार था। मकान मालकिन जी, आपने मुस्कुरा कर ना बहुत बड़ी गलती की। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आपकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है, और मुस्कुराहट के साथ आप तो और भी खूबसूरत लग रही हैं। अब तो आपसे एक पल भी दूर रहना ना मुश्किल हो जाएगा। चलिए ना, घर पर चलकर सबको बता देते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली है। चलिए आइए। नहीं, फिर से वही बात। किरदार जी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मंदिरा जिस हालात से गुजर रही है, अगर उसे हमारे बारे में पता लग गया तो वो फिर से बौखला जाएगी। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती हूं किरदार जी। जी तो चाह रहा है कि पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दूं कि मेरी और ऋषि की शादी हो चुकी है। अब मैं इंदिरा नहीं बल्कि इंदिरा ऋषि कुमार बन चुकी हूं। कितना खूबसूरत एहसास है। लेकिन मेरा वक्त और मेरी हालात मुझे इस बात की इजाजत ही नहीं देते। हर बार की तरह स्टॉप क्राइंग। आपको इसीलिए थोड़ी हंसाया था कि आप दोबारा से रो दें। और मकान मालकिन जी, मैं आपको फिर से प्रॉमिस कर रहा हूँ, और इस बार पक्के वाला प्रॉमिस कर रहा हूँ, मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। जब तक आप अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर लेती, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम दोनों ने शादी कर ली। चाहे हमारी पूरी जिंदगी ही क्यों ना बीत जाए हमारी जिम्मेदारियां निभाने में। हमारी जिम्मेदारियां मतलब क्या है कि जब शादी की उखल में मुंह दे दिया है तो जिम्मेदारियों की मूसल से कैसे डरना। आप भी ना। अच्छा, अभी से पतिदेव पर अत्याचार शुरू कर दिया आपने। डोमेस्टिक वायलेंस, वेरी बैड। क्यों, पत्नियों को मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? चलिए अब घर चलते। अरे चलिए, आप क्या हुआ? कुछ नहीं, एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं? मकान मालकिन जी, आपके माथे से सिंदूर साफ कर रहा हूं। कुंवारी और बिन बिहाई लड़कियां सिंदूर नहीं लगा सकती। बस पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी-अभी खुशियां मेरे दरवाजे पर थी और अभी-अभी उसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है।
ऋषि, मुझे मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। मैं आप ऐसा मत सोचिए, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सब तो दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है। शादी का असली मतलब होता है साथ निभाना, और मैं हूं ना आपके साथ हर पल हर कदम, और आपके दरवाजे से खुशियां कहीं नहीं जाने वाली हैं। परेशान मत होइए, ओके? चलिए अब घर चलते हैं। लेकिन क्वीन अकेली नहीं जाती, बॉयफ्रेंड के साथ में जाती है, कवर कैसे लेगा? अरे मुन्ना, आज तो तू हारेगा ही। इस बुड्ढे को एक केयर में कोई नहीं हरा सकता है, और ये क्वीन तो मैं ही कवर करूंगा, देख लेना। अच्छा, उम्र देख ले अपनी, दांतों का ढांचा कवर करने की उम्र है, क्वीन कवर करेगा। शर्त लगाएगा? शर्त लेगा, किसकी शर्त लेगा? बाकी की उम्र नाम करेगा क्या मेरे? शर्त लेगा, देखियो। अच्छा अच्छा ठीक है अंकल, एक काम करते हैं, अगर तू जीत गया ना तो अपन देख लेंगे, और अगर मैं जीत गया तो ये पंखा है ना तेरा पर्सनल पंखा, जिससे ठंडी हवा आ रहा है। ये तो मेरा पंखा। हाँ तो उससे तभी तो, वैसे की तो शर्त है, अगर तू हार गया तो ये पंखा मेरा। और हाँ, ये पूरी बाजी खेलने का टाइम नहीं मेरे पास में, ये जो क्वीन ले गया ना बाजी उसकी, ठीक है ना? मेरी मिसेज का पंखा हो जाएगा। चलो चलो, अब इसके आगे मैं किराएदार और आप मकान मालिक हैं। चलिए अब घर चलते हैं, घर आगे। चलिए। देखा देखा दीपू, मैं जीत गया। हाँ मुन्ना, मैं जीत गया है कि नहीं? बड़ा आया हराने वाला। हार गया तू? ओ एंटीक पीस, हार गया हार गया। ये देख गिट्टी कौन सी गई है काली, देख ले तो क्वीन किसी कवर हुई, मेरी, मैं जीत गया हूँ, बता ना दीपू। मुन्ना भैया जीत गए, अब आपको काली और सफेद गुट्टी का फर्क नजर नहीं आता, खेलते काहे को? अभी हार गए ना? और नहीं तो क्या, अब हाथ से हवा करता रहे क्योंकि ये पंखा तो हो गया मेरा, ठीक है ना अंकल? दीपू एक गेम लगा ले तू भी, देख कुछ और जीतता हो तो। देख आप चलिए, मैं आता हूँ पीछे से। अच्छा घर जल्दी आइए। क्या कहा आपने? घर जल्दी आइए। अब लाउड बोलिए ना, सुना नहीं मैंने? थप्पड़ मारूं तो सुनाई देगा आपको? अच्छा फिर से पति पर अत्याचार, वेरी बैड। कहीं मटर गश्ती करने मत बैठ जाएगा, ठीक है? अपनी बीवी का हुक्म सरा करो। चलिए मैं आता हूं। बेटे यहां तक साथ में आए, फिर अलग अलग हो लिए, तो दाल में काला है कुछ, काली दाल बना रहे मिलके। बेटे मुन्ना बजी घंटी दिमाग में,
लाल बत्ती वाली एम्बुलेंस की घंटी। कहाँ गई थी तू? पहले ये बता कि शादी के बारे में तूने क्या सोचा है? तू हंस रही है? हाँ, हंस रही है? क्या बात है बेटी? कुछ नहीं, वो बारिश हो रही थी ना तो भीग गई। अच्छा, और तुम भी बारिश में भीग गए क्या? हाँ हाँ, वो अंकल बाइक पर था ना, आज बारिश बहुत हो रही है तो बाइक पे भीग गया मैं। कहाँ गई थी तू? पहले ये बता कि शादी के बारे में तूने क्या सोचा है? तुझे अपनी बहन के बारे में जरा भी ख्याल नहीं है? माँ, मैं तुमसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैं क्या तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। जब तक इस घर की जिम्मेदारियां मैं निभा नहीं लेती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊं। सच? सब समझ में आ रहा है मेरे को। ये तो प्यार का चक्कर वक्कर है ना, ये प्यार के भरम में तू तो मरेगी मरेगी, हम सबको मरवाएगी। अपने भाई की बात याद रखियो ये तू। लेकर अपनी हालत खराब मत कर, और वैसे भी बहुत मुश्किल से तुम्हारा अस्थमा ठीक हो रहा है, तुम चिंता मत करो और अपना ख्याल रखो, समझी? अरे बा, तू हंस रही है? हाँ, हंस रही है? लगता है सूरज है ना आज निकलना भूल गया, इसलिए तू हंस रही है। अरे देखिए देखिए, हमारी खड़ूस और बदतमीज बेटी है ना, हंस रही है, देखिए। मम्मी जी, इंदिरा को कुछ हो गया है, इसको भूत ने पकड़ लिया है, देखो हंस रही है। अरे चुप कर। हाँ ठीक हूँ मैं, ये करंट के झटके से तो कुछ नहीं होगा, पर ये जितना हंसी का झटका है ना, इससे टेंशन हो रही है मेरे को।
पूजनीय भाई साहब, आपको आपकी बहन की हंसी रास नहीं आ रही है क्या? सब समझ में आ रहा है मेरे को। ये जो प्यार का चक्कर वक्कर है ना, ये प्यार के भरम में तू तो मरेगी मरेगी, हम सबको मरवाएगी। अपने भाई की बात याद रखियो, ये तू चलिए जी, बहुत सारा काम पड़ा है घर में, चलिए। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी खुशियां मेरी दरवाजे पर थी और अभी अभी उसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है।